नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सुदीप। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडस्ट्रीज पे? अभी आई थिंक ये विश्लेषण मेरा था, और आपका विश्लेषण क्या कहता है इंडस्ट्रीज पे? नमस्कार वीरू जी, गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि 23,100 का जो निफ्टी ने हाई टेस्ट किया था, उसके बाद सोमवार के बाद हमने देखा है कि ओवरऑल ऊपर के लेवल से थोड़ा मिड कैप्स में और थोड़ा ब्रॉडर मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी है। एंड ये क्वाइट अनएक्सपेक्टेड लाइन्स है। आपके एग्जिट पोल नंबर्स आएंगे ये वीकेंड में, नेक्स्ट वीक में इलेक्शन के रिजल्ट है, तो उसके पहले मुझे लग रहा है थोड़ा लेवरेज कम हो रहा है मार्केट में। तो यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हमारे नजर में होने चाहिए वो है 22,700, जो कि 10 दिन का मूविंग एवरेज है, और उसके बाद 22,630, 22,580, क्योंकि 22,580 20 डे में है। तो मुझे लग रहा है ये जोन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के रहेगा मार्केट के लिए। ऑन द अपसाइड अब 22,850 से लेके 22,900 के बीच में जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, वही जोन अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, और इसके ऊपर निकलने के बाद ही हमें एक सस्टेन्ड शॉर्ट कवरिंग मूव फिर से वापस ऊपर की तरफ मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल अब निफ्टी का जो ट्रेडिंग रेंज बन के रहेगा अगले 2 से 3 सत्रों में वो 22,580, 22,590 ऑन द डाउन साइड एंड 22,900 ऊपर की तरफ रहेगा। ओके, निफ्टी बैंक पे आपका व्यू इस वक्त सुदीप? वीरू जी, निफ्टी बैंक की बात करें तो पिछले 2 सत्रों में हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक 49,500 के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पा रही है, और आज के जो फॉल के बाद अब ये अपने जो सबसे करीबी सपोर्ट जो है 48,400, 48,380 जहाँ पे 20 डे में, अब उसको रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है। मुझे लग रहा है ये एक बार ये जोन को रीटेस्ट कर लेगा, वहां पे कंसोलिडेट करके फिर हमें एक स्टेडी अपमूव या एक रिबाउंड वो लेवल से मिलेगा। मुझे लग रहा है एक बार 48,400, 48,350 का जोन रिटेस्ट होगा और वहीं से एक नया मूव स्टार्ट होगा। अच्छा सुदीप, आपके ये निफ्टी और निफ्टी बैंक पर व्यू हो गया। अब आते हैं आपके यहाँ 3 स्टॉक फ्यूचर्स जिनको आप चेज करना चाहते हैं, बताइए आपका आज का स्टॉक व्यू, 3 कॉल्स आपकी। वीरू जी, पहला स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि हमारा ध्यान होना चाहिए वो है आईसीआईसीआई प्रूफ है ऑन द शॉर्ट साइड। स्टॉक ने हम अगर देखें तो जो अप्रैल मिड से 630 से 560 तक का 550 तक का एक फॉल आया था, उसके बाद कंसोलिडेट किया था, एक बार थोड़ा वापस रिकवर करने की कोशिश की, और अब वापस से एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूफ में। मुझे लग रहा है 569 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई प्रूफ को शॉर्ट किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 550 ऑन द डाउन साइड। दूसरा स्टॉक जो मुझे लग रहा है जो हमारे ध्यान में होना चाहिए